हाँ तो मेरे भाइयों, बस अभी अभी सो के उठा था तो सोचा क्यों ना एक हेयर केयर रूटीन बना दिया जाए, क्योंकि मैं बस अभी हेयर केयर करने ही वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे अपने हेयर वॉश, जिसके लिए मैं यूज करता हूँ कुछ नहीं, बस टैप वाटर से अपने हेयर वॉश कर लेते हैं जल्दी। तो कम से कम मैं 2-3 मिनट के लिए अपने हेयर्स को अच्छे से वॉश करूंगा, वो भी नॉर्मल पानी से। तो बाल धोने के बाद बाल को सुखा लेंगे कोई भी टॉवल से, कुछ भी। तो आपको ज़्यादा रफली अपने हेयर्स को ऐसे ऐसे नहीं करना है, थोड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट, यानी आपको जैसा कंफर्टेबल लगे वैसा। तो हमारे हेयर्स वॉश भी हो गए और थोड़े बहुत ड्राई भी हो गए। अब आता है मेन पार्ट कि मैं क्या प्रोडक्ट्स यूज़ करता हूँ अपने हेयर्स पे, तो चलिए उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो मैं यूज़ करता हूँ डाबर आमला, असली आमला। लंबे और मजबूत बालों के लिए डाबर आमला, बस यही ऑयल मैं यूज करता हूँ अपने हेयर्स के लिए। थोड़ा सा लेंगे और अब हम कम से कम 3 से 4 मिनट तक लिए हेड मसाज करेंगे इस ऑयल से। तो फिर मैं यूज़ करता हूँ ये मोटे दाने वाला फोम, जो कि मुझे अच्छा लगता है और मुझे कंफर्टेबल लगता है। तो गाइस, यही हेयर केयर रूटीन मैं डेली फॉलो करता हूँ। ना मैं कोई फैंसी प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ और ना ही कोई फैंसी हेयर केयर रूटीन, जो नॉर्मल पीपल करते हैं वही मैं करता हूँ। और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि ज़्यादा अपने हेयर्स पर कोई भी फैंसी प्रोडक्ट यूज़ ना करो, उससे वो अच्छे होने की वजह और डैमेज हो जाएंगे। बस एक नॉर्मल रूटीन फॉलो करो और उसी पर टिके रहो। तो गाइस, यही था मेरा हेयर केयर रूटीन। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो कर देना यार सब्सक्राइब। तब तक के लिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और हाँ, मैं एक बात बताना तो भूल ही गया कि शैम्पू यूज़ कर सकते हो, बट डेली डेली मत करना, क्योंकि डेली डेली करोगे तो हेयर डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। वीक में एक बार यूज़ करो, और जब भी तुम्हें लगे कि मेरे हेयर्स में डर्ट ज़्यादा जम गई है या ज़्यादा ऑयली हो गए हैं, तब तुम शैम्पू यूज़ कर सकते हो।